हेलो फ्रेंड, ये वेलकम टू देखिए बैक ये माय स्टैंड की चैनल। कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम आसन जोड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट का हम सबसे पहले आसन जोड़ेंगे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए, ठीक है। इस तरह से ये मैंने यहाँ इस आसन पे सिलाई लगा ली है। ये हमारा बैक है और ये मैंने डबल सिलाई लगाई है, ठीक है। तो आप भी अपनी डबल सिलाई लगाएं। और उसके बाद ये हम आगे का पार्ट है, उसके भी आसन को हम जोड़ देंगे इसी तरह जैसे हमने बैक पार्ट को जोड़ा है। अब हम इसके ऊपर से एक बार और सिलाई लगाएंगे। हमें अपनी पैंट पर डबल सिलाई लगानी चाहिए ताकि जो हमारी सिलाई है वो कच्ची ना रहे, ठीक है। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स के आसन को जोड़ लिया है। उसके बाद ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हम सीधी साइड इस तरह से रखेंगे और जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, सीधे के ऊपर, सीधे वाला हिस्सा। और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे का हिस्सा होता है जहाँ हम बॉटम फोल्डिंग करते हैं वहाँ से हम इसको बराबर करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो वो हमारा ऊपर की साइड निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ, इसके साइड में भी हाफ इंच का मार्जिन देते हुए। ये मैंने साइड में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर से मैं एक बार और सिलाई लगाऊंगी, तो मैं ये डबल सिलाई कर रही हूँ। ये मैंने डबल सिलाई लगा ली है यहाँ से। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगाऊंगी और वहाँ से भी मैं डबल कर दूंगी अपनी सिलाई को। ये देखिए ये मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी बॉटम को फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए जो हमने कटिंग करते वक्त हमने जो ये निशान लगाया था यहाँ पर, मैं एक निशान ऐसे ही ऊपर लगा लेती हूँ जिससे हमें अच्छे से पता लग सके। और एक निशान मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेती हूँ, दोनों के ऊपर मैंने ये निशान लगा दिया। आप चाहें तो यहाँ कट भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब हम सीधा हिस्सा रखेंगे इस साइड और ये हमारा कम या ज़्यादा कपड़ा नहीं वो होगा। तो यहाँ से मैं 2 इंच की बॉटम फोल्डिंग रखूँगी इसको फोल्ड करने के लिए और 2 इंच ही मैं यहाँ इस साइड पर भी निशान लगा देती हूँ। देखिए अब हम इसको फोल्ड करेंगे जहाँ हमने ये ऊपर वाला निशान लगाया है। इस तरह से हम कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करेंगे एक बार और जो हमारा ये आगे का निशान है यहाँ इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। हम इसी तरह से इसको फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने इस फर्स्ट पार्ट के बॉटम को फोल्ड किया है वैसे ही हम सेकंड पार्ट के बॉटम को भी निशान लगा के ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये हमने दोनों फोल्ड बॉटम को फोल्ड कर लिया है। दोनों बॉटम को फोल्ड करने के बाद अब हम इसको सीधा रखेंगे और इसके पास से हम एक सिलाई और लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से इन दोनों के बीच हम थोड़ा ही गैप रखेंगे इस तरह से, बिल्कुल हल्का सा। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए फर्स्ट पार्ट पे डबल सिलाई लगा ली है, वैसे ही अब मैं सेकंड पार्ट पर भी डबल सिलाई लगा लूँगी इसके बॉटम फोल्डिंग के पास। ये देखिए ये हमारी सिलाई इस तरह से लग चुकी है। मैंने दोनों बॉटम को फोल्ड कर लिया है। दोनों बॉटम को फोल्ड करने के बाद
अब हम बीच में जो आसन वाली सिलाई होती है उसको लगाएंगे। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। क्या होता है कि ज़्यादातर नीचे से इसकी सिलाई को लगाना शुरू करते हैं, लेकिन मैं इसकी सिलाई नीचे से शुरू नहीं करूँगी। मैं इसकी सिलाई बीच में, हमारा आसन वाली जो सिलाई होती है वहाँ से मैं इसकी सिलाई को शुरू करूँगी। तो ये देखिए, एक साइड का जो कपड़ा है इसको इस साइड और दूसरा वाला है इसको एक साइड रखेंगे और दोनों को मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन देके हम यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। क्या होता है ना कि अगर हम यहाँ आसन के पास से हम इसकी सिलाई करेंगे तो हमारी ये जो पैंट है बीच में से खींचेगी नहीं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। अब इसी तरह मैं इस कपड़े को बराबर करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए अब आगे मैं क्या करूँगी, जो मैं नीचे से बॉटम की मोहरी है हमारी वो मैं यहाँ से 8 इंच रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने 8 इंच के ऊपर निशान लगा दिया है और अब हम सिलाई को यहाँ तक लाएंगे। देखिए इस तरह से अब हम इसकी पक्की सिलाई करेंगे। तो हम इसके ऊपर से एक बार और अब सिलाई लगाएंगे। ये मैंने आसन से यहाँ तक की सिलाई लगा ली है। अब दूसरे पार्ट पर भी हम इसी तरह से एक एक पंजे का मार्जिन देते हुए ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ही हम यहाँ पर भी 8 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने बीच वाली सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब हम अपना ऊपर से इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये देखिए जो हमारा आगे का पार्ट था इसके ऊपर हमने ये 2 इंच के ऊपर ये वाला निशान लगाया था, ठीक है। हम इसी तरह अब इस साइड लगा लेंगे और जो हमारा पीछे का पार्ट है उसके ऊपर भी हम 2-2 इंच के ऊपर एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम सीधा हिस्सा रखेंगे और सीधे हिस्से के ऊपर हम यहाँ से 2-2 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे, ताकि हम जो ऊपर से फोल्ड करेंगे तो हमारा ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये इस तरह से, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब ये जो हमारा आगे का पार्ट है इसको हमने 2 इंच के ऊपर जो निशान लगाया था यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है, यहाँ से। और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे इसके चारों तरफ से इसी तरह। और ये हम यहाँ से थोड़ी जगह खुली छोड़ देते हैं ताकि हम इसके अंदर प्लास्टिक डाल सके और बाद में इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह मैं 2-2 इंच के ऊपर को मोड़ती जाऊंगी और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब मैं इसके अंदर प्लास्टिक डालूंगी, ठीक है। तो ये लास्ट की मैंने कमर के हिसाब से, कमर का मेजरमेंट जो होता है मैंने उसके हिसाब से लिया है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि कमर के हिसाब से हमें कितना लास्टिक इसके अंदर चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, अब मैं एक ये सेफ्टी पिन हमारे पास, इसकी सहायता से मैं इसके अंदर ही लास्टिक डालूंगी जहाँ से हमने ये खुला छोड़ा था, यहीं से हम इस लास्टिक को अंदर डालेंगे। धीरे धीरे हम पहले इसको इसके अंदर डाल लेते हैं आराम आराम से, इस तरह से सेट करते हुए। तो मैं इसे डाल ले रही हूँ। ये मैंने लास्टिक इसके चारों तरफ से डाल लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर से यहाँ सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से, देखिए। अभी हम क्या करेंगे, हमने इसके अंदर से लास्टिक डाल दिया है। लास्टिक डालने के बाद जो हमने यहाँ ये खुली जगह छोड़ी थी इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रखना कि हम ये सिलाई कपड़े के ऊपर ही लगाएं, ना कि लास्टिक के ऊपर। इस तरह से मैंने ये यहाँ सिलाई लगा दी है। अब ये हम लास्टिक के बीच से एक सिलाई और लगाएंगे। तो देखिए मैंने सुई को नीचे रख दिया है। नीचे रखने के बाद अब मैं इसको पीछे से खींचूंगी और आगे से प्लास्टिक को खींच के इसके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी इस तरह से।
और जहाँ मैं इस इलास्टिक को छोड़ूंगी ढीला, तो वहाँ पर मैंने सुई कनों को नीचे ही रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये हमने ऊपर वाली सिलाई भी लगा ली है इलास्टिक के ऊपर, और तो कितने अच्छे से हमारा इलास्टिक लग चुका है इसके चारों तरफ से, ठीक है। तो ये मैंने आपको पैंट की स्टिचिंग बताई है बहुत ही इजी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इजी तरीका है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो हमारी पैंट है ये हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितने अच्छे से इसका लुक आया है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।